भोपाल के एलएनसीटी विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में अलग अलग विभागों के 700 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। भोपाल के एलएनसीटी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह राज्यपाल मंगू भाई पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। दीक्षांत समारोह में 2023 में स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। आपको बता दें कि एलएनसीटी ग्रुप प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक प्रतिष्ठित एजुकेशनल ग्रुप है, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। एलएनसीटी कॉलेज के अध्यक्ष अनुपम चौकसी ने बताया कि 7 विधाओं के 700 से अधिक अलग अलग विभागों के बच्चों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं, जिसमें 48 PhD के विद्यार्थी हैं। विश्वविद्यालयों या हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन से मेरा सीधा बहुत नज़दीक का संबंध और मेरी रुचि, और इसके कारण मैं सब दूर जाता रहता हूँ। चौकसी जी ने निमंत्रित किया, मैं तो LNT परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैंने सब बच्चों को भी कहा है कि हम इस दिशा में आज जितना आगे इस क्षेत्र में बढ़कर के काम करेंगे उतना समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए उतना ही उपयोगी होगा। तो इस प्रकार की संस्थाओं से जितने बच्चे जुड़ कर के परिवार और उनके गार्जियन, तो इससे जब डिग्रियां लेकर के जाते हैं, PhD का है, व्यावसायिक हमारे MBA का है, होटल मैनेजमेंट है, हमारा मेडिकल चिकित्सा के आयुष में है, वैसे इंजीनियरिंग का है, हर क्षेत्र में जितने अच्छे पोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी ऐसे बच्चे हैं जिनको उनको अवार्ड दिया गया है, उसका दिया गया। मुझे लगता है कि यह अपने आप में बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है और संस्था जो काम करती है उसमें भी हमारे बाकी स्टाफ को भी, इस प्रकार के जब बच्चे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ समाज को होता है, देश को होता है, यही इसका मूल उद्देश्य है। 5 हमने मानद उपाधियाँ भी दी हैं और साथ में लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स जिन्हें रजिस्टर करवाया था, जिनको अलग अलग विभागों में डिग्री दी जा रही है, और 48 PhD दी थे, और लगातार 2023 बैच का दीक्षांत समारोह हमने आज किया। अलग अलग इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स थे, मेडिकल के भी स्टूडेंट्स थे, आयुर्वेद के भी हैं, लॉ, होटल मैनेजमेंट, आर्ट्स, सभी विधाएँ जो हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।